अवल पर वादी शाकिर के द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनकी 4 वर्ष की बच्ची के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक अभियुक्त ने बलात्कार करने का प्रयास किया है। इसी सूचना पर तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से तहरीर जो प्राप्त हुई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके बाद में पुलिस ने विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अभियुक्त की बरामदगी की है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इस अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि ये इस तरह का शातिर अपराधी है जो पहले भी इस तरह से बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। इसके संबंध में थाना चरथावल पर एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है। वर्तमान में थाना चरथावल पर मुकदमा अपराध संख्या 111/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, पहले 7 साल की बच्ची को शिकार बनाया, अब 4 साल की बच्ची को, अगर किसी बच्चे को शिकार न करे क्या किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी? इस निंदनीय और शर्मनाक घटना का पुलिस ने गहराई से और गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है और पुलिस ये इंश्योर करेगी कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे में सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दी जाए और अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसमें सजा करवाई जाए। इसके लिए क्षेत्राधिकारी सदर और प्रभारी निरीक्षक चरथावल को निर्देशित किया गया है कि वो मुकदमे की प्रभावी पैरवी करते हुए इसके अंदर जल्द से जल्द सजा करवाएं ताकि ये अपराधी वापस फिर से इस तरह का कोई कृत्य ना करे। ठीक है। थाना चरथावल पर वादी शाकिर के द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनकी 4 वर्ष की बच्ची के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक अभियुक्त ने बलात्कार करने का प्रयास किया है। इसी सूचना पर तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से तहरीर जो प्राप्त हुई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके बाद में पुलिस ने विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अभियुक्त की बरामदगी की है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इस अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि ये इस तरह का शातिर अपराधी है जो पहले भी इस तरह से बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। इसके संबंध में थाना चरथावल पर एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है। वर्तमान में थाना चरथावल पर मुकदमा अपराध संख्या 111/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, पहले 7 साल की बच्ची को शिकार बनाया, अब 4 साल की बच्ची को, अगर किसी बच्चे को शिकार न करे क्या किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी? इस निंदनीय और शर्मनाक घटना का पुलिस ने गहराई से और गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है और पुलिस ये इंश्योर करेगी कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे में सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दी जाए और अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसमें सजा करवाई जाए। इसके लिए क्षेत्राधिकारी सदर और प्रभारी निरीक्षक चरथावल को निर्देशित किया गया है कि वो मुकदमे की प्रभावी पैरवी करते हुए इसके अंदर जल्द से जल्द सजा करवाएं ताकि ये अपराधी वापस फिर से इस तरह का कोई कृत्य ना करे। ठीक है। चलो नमस्कार, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पहले भी बलात्कार के जुर्म में जेल जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि वादी की पहचान शाकिर उर्फ काला पुत्र बुरा निवासी अमलापुर चरथावल देहात का है। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर जो है अपने टेलर की दुकान में लेकर गया जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उचित कार्रवाई की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन विशाल सैनी के साथ नितिन शर्मा मुजफ्फरनगर।